देश के जाने माने उद्योगपति गौतम अडानी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से विवादों के घेरे में आ गए। अब इस मामले में राजनीति भी शुरू हो गई है। सोमवार को कांग्रेस ने इस मामले में केंद्र सरकार को घेरते हुए प्रदर्शन भी किया है। कांग्रेस कार्यकर्ता सनावत रोड LIC कार्यालय के बाहर इकट्ठा हुए, यहाँ नारेबाजी कर जिला अध्यक्ष रवि नाइक के नेतृत्व में बाइक रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहाँ डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जिला अध्यक्ष नाइक ने कहा, केंद्र सरकार आम लोगों के पैसे का इस्तेमाल अपने गरीबी दोस्तों की मदद के लिए कर रही है। LIC और राष्ट्र बैंकों में करोड़ों लोगों का पैसा लगा है, सरकार ऐसी कंपनियों में सरकारी संस्थानों को निवेश या कर्ज देने को क्यों मजबूर करती है, जिनका हिंडनबर्ग रिपोर्ट में खुलासा किया है। यह देश के करोड़ों भारतीय नागरिकों के निवेश की सुरक्षा का सवाल है, जिन्होंने LIC में पैसा लगाया है। इस मामले में सरकार की चुप्पी बड़े घोटालों की ओर इशारा करती है। खरगोन से ब्यूरो की रिपोर्ट। केंद्र सरकार के दबाव में LIC और राष्ट्रीयकृत बैंकों का पैसा केंद्र सरकार ने अपने दोस्तों अडानी की कंपनी में करोड़ों अरबों रुपए निवेश करा दिए। अब अडानी की कंपनी बर्बादी की कगार पे खड़ी है, तो LIC और राष्ट्रीयकृत बैंक भी उसका नुकसान उठा रहे हैं। चूंकि LIC भारत का एक स्वर्णिम संस्थान है, उसमें करोड़ों लाखों भारतीयों का भरोसा है और उनका पैसा लगा हुआ है, तो ऐसे में आम भारतीय को भी इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। सरकार ने अपने दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए देश के आम निवेशक को खतरे में डाल दिया है। महंगाई के इस दौर में ये जो घटना घटी है, इससे दो तरफ से आम भारतीय का नुकसान हो रहा है, महंगाई से भी नुकसान हो रहा है और उसने जो निवेश LIC ने कर दिया उससे भी उसको नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसको लेकर के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर सभी देश भर के जिला मुख्यालयों में आज अडानी के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ, LIC और बैंकों को बचाने के लिए आम भारतीय निवेशक के जो पैसे हैं उसको बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी आंदोलन कर रही है। हम इसके पहले LIC के ऑफिस में गए थे, वहां उन्हें अधिकारियों को फूल देकर जगाने का प्रयास किया कि आप भी अपने मैनेजमेंट से कहें कि इस तरीके के जनता के पैसे गलत जगह इन्वेस्ट नहीं करें। और कांग्रेस पार्टी की मांग है इस पूरे मामले को लेकर के संसद की संयुक्त संसदीय समिति से जांच हो और संसद का विशेष सत्र बुला करके इसकी जांच करें। अगर अडानी सही है और सरकार सही है तो जांच कर ले। सरकार डर क्यों रही है, भाग क्यों रही है? जांच से और संसदीय सत्र में चर्चा से दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। नहीं, हमने हमारा ये आंदोलन चूंकि पहली बार हमने इस मुद्दे को लेकर के आंदोलन किया, हम शांतिपूर्वक आंदोलन किया। अगर इस तरीके की घटनाएं नहीं रुकी और केंद्र सरकार ने रोक नहीं लगाई तो आगे कांग्रेस पार्टी उग्र आंदोलन भी करेगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि नाइक है, खरगोन जिला कांग्रेस अध्यक्ष। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।